Assalamu alaikum and good evening from the business desk of the correspondent.pk. So let's start with the stock market's performance today. आज मार्केट ने एक पॉजिटिव स्टार्ट लिया और उसकी रीज़न ये थी कि ओवर द वीकेंड कुछ पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो था, जिसमें सबसे मेन चीज़ ये थी कि फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल ने रिज़ाइन कर दिया है और उनकी जगह मोस्ट लाइकली ट्यूसडे को यानी कि कल इसहाक डार जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर रिप्लेस कर जाएंगे मिफ्ता इस्माइल को। तो हिस्टोरिकली उनके प्रीवियस टेन्योर में डॉलर भी एक बड़ी नैरो रेंज में रहा था और उन्होंने बढ़ने नहीं दिया था, तो इसको मार्केट ने बहुत पॉजिटिव लिया और एक पॉजिटिव स्टार्ट लिया। वॉल्यूम भी कंपैरेटिवली आज बेहतर रहा मार्केट में और थ्रू आउट द डे एक पॉजिटिव एक्टिविटी देखी गई। TRG वंस अगेन वॉज टॉप ऑफ द पिक, वॉल्यूम वाइज भी 27.4 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए और ये अपने अपर सर्किट के ऊपर क्लोज हुआ, 7.5% प्लस रहा। सेकंड पे सिनर्जी रहा, इसमें 17.3 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, ये 3% प्लस रहा, जबकि यूनिटी फूड्स में 15.4 मिलियन शेयर्स का काम हुआ और ये भी अपनी लास्ट क्लोजिंग से तकरीबन 6% प्लस क्लोज हुआ। टोटल वॉल्यूम मार्केट का आज 213 मिलियन रहा डे ऑन डे बेसिस, ये 30% से इंक्रीज किया, वेयर एज ट्रेडेड वैल्यू कम्स टू 9.5 बिलियन रुपीस, इसमें भी 38% का इंक्रीज देखा गया, वेयर एज द मार्केट कैपिटलाइजेशन इंक्रीज बाय 71 बिलियन रुपीस। इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो एक बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। लास्ट वर्किंग डे पे US मार्केट्स जो हैं वो 1.5 टू 2.5% नेगेटिव क्लोज हुई। आज एशियन मार्केट्स में भी नेगेटिविटी देखी गई, 0.5 टू 2.5% नेगेटिव क्लोज हुई, वेयर एज अभी यूरोपियन मार्केट्स जो हैं वो ओपन हैं और उनमें एक मिक्स सा ट्रेंड देखा जा रहा है, कुछ मार्केट्स स्लाइटली पॉजिटिव हैं, कुछ स्लाइटली नेगेटिव हैं। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि इसहाक डार साहब की लाइकली रिप्लेसमेंट जो है फाइनेंस मिनिस्टर को, करेंसी मार्केट ने भी बहुत पॉजिटिव लिया और आज इनिशियली रुपी खुला ही 3.5-4 रुपये प्लस इंटरबैंक में और एक टाइम पे 235 रुपीज़ पे भी डॉलर ट्रेड हुआ, बट इन द एंड रुपी जो है वो 2.63 रुपये गेन के साथ 237.02 रुपीस के ऊपर क्लोज हुआ है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द इकोनॉमी फ्रंट, तो उसमें कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है इज ट्राइंग टू रीस्केड्यूल द $10 बिलियन लोन फ्रॉम द पेरिस क्लब, जो कि सारी वेल्दियर कंट्रीज का एक ग्रुप है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने IMF चीफ से भी रिक्वेस्ट किया है कि जो रिमेनिंग $3 बिलियन हैं IMF प्रोग्राम के, उनको एज सून एज बाय नवंबर रिलीज कर दिया जाए इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट टिल June 2023। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने भी हिंट एक दिया है कि दे माइट बी गिविंग $2 बिलियन लोन, और वो जो ये फ्लड से डिस्ट्रक्शन हुई है उसकी मद में वो रिहैबिलिटेशन एक्टिविटीज़ के लिए ये लोन देने पे गौर कर रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है कि ये जो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस है, जिसको GIDC बोलते हैं, उसके केस को गवर्नमेंट इनिशिएट करने जा रही है और कोर्ट में मूव करने जा रही है, बिकॉज इसमें मेन जो बेनिफिशरीज थे वो फर्टिलाइजर सेक्टर था और उन्होंने कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया था अगेंस्ट द टोटल अमाउंट ऑफ 453 बिलियन रुपीस। तो गवर्नमेंट अब इस केस को दोबारा फाइट करने जा रही है टू रिकवर दैट 453 बिलियन रुपीस। सो लेट्स सी कि इन कमिंग डेज कितना हद तक गवर्नमेंट इसमें कामयाब होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, join me tomorrow for more updates. Till then, Allah Hafiz.